Life is a winding road, no telling where it goes. Good morning everyone, कैसे आप सब लोग? I hope आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। टॉवल देकर आप लोग माइंड मत करना, हल्का सा हेडेक हो रहा है इसलिए टाइगर बम लगा कर बांध कर रखा है। आज ब्लॉग बनाने का प्लानिंग नहीं था लेकिन अम्मा कुछ स्पेशल बना रहे तो सोचा ब्लॉग भी बना लेते हैं। कल मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया था, परसों दीपावली था, कल प्रीति और बालाजी के घर बुलाया था तो उधर मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग किया, वो ब्लॉग के एंड में डाल दूंगी, ठीक है। हाँ, पूरा घर मेसी है, माइंड मत करना, क्योंकि सुबह बहुत सारा सामान लिया है, कुकिंग चल रहा है। तो संतोष अभी ब्रेकफास्ट किया, 11:38 हो गया, आई थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम लोग उठते उठते मैं और संतोष 8 बजे, हम लोग कल सो गया था 2:30, हाँ इसलिए मेरा हेडेक थोड़ा ये हो गया। और सुबह संतोष जाकर बहुत सारा ग्रोसरी लेकर आया, ये वाघ बकरी और ये क्या है, हाँ जायकरी पाउडर, हाँ वो सब है। अम्मा इधर कटहल है ना, कटहल का तोरण बनाने जा रहे हैं, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लेते हैं। ये कटहल का आधा लिया है, അത് ഉണങ്ങുന്നില്ല, അത് ബൂട്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചു, ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കിട്ട് മുക്കി വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ കുറച്ച് ബെറ്റർ, എന്നിട്ട് ബെറ്റാടിയും പെരട്ടാം, ഷുഗർ മെഡിസിൻ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് നോക്കണം। पापा का है ना पैर में ना थोड़ा कट हो रहा है, वो स्किन ड्राई होने के बाद पैर के नीचे वो हील में कट होते हैं ना, वो ठंड के टाइम में पापा को होता है, लेकिन डायबिटीज़ है ना इस वो सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, इससे बहुत पेन होता है वो करने के लिए। तो मेडिसिन लगा रहे लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा है, अभी इधर बहुत ठंड है ना। तो संतोष बोल रहे थे थोड़ा सोल्ट वाटर में है ना पैर ऐसे डुबा कर रखे तो अच्छा फील होगा है ना। और अम्मा इधर कटहल है ना ये छोटा छोटा कर पानी में भिगो कर रख रहे हैं। कटहल तो अच्छे से वॉश किया, अब ये कुकर में डालकर कितना इतना इतना विसल में रेंड विसल अच्छे, हाँ एक 2 विसल उसमें डालना है। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, सोल्ट डालना है, पानी डालकर 2 विसल आने का वेट करना है। गरम पानी में मतलब लूक वार्म पानी में तो कटहल कुक हो गया, तो अभी ये निकाल रहे हैं, ये पानी भी थोड़ा सा लेंगे और अभी ये थोड़ा मैश करना है। सारा कटहल अच्छे से मैश किया, अभी एक मिक्सी के जार में डालना है 5-6 शैलेट्स छोटा छोटा मतलब थोड़ा कट किया था वो, और गार्लिक अत्र एडते हैं मैं 2 गार्लिक दो गार्लिक 3 ग्रीन चिल्ली 2 ग्रीन चिल्ली 1/2 टीस्पून जीरा ये थोड़ा क्रश किया है। अभी ये कोकोनट के अंदर थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया। अभी वो ग्राइंड करके रखा था ना गार्लिक ग्रीन चिली सब, वो इसमें डालकर हाथ से अच्छे से मिक्स करना है।
इसमें ऑयल गरम हो गया, उसमें डालना है मस्टर्ड सीड्स, उड़द दाल ऑलमोस्ट एक मुट्ठी लिया, ड्राई रेड चिल्ली, करी पत्ता और ये कोकोनट रखा है ना ग्राइंड करके, वो डालना है। और उसके बाद डालना है कटहल, उसके बाद डालना है थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हल्का सा पानी, वो जैकफ्रूट बोल के ना वही पानी डालना है। जैकफ्रूट जब बोल के ना तब भी सॉल्ट डाला था, अभी थोड़ा कम लग रहा है इसे फिर से थोड़ा सॉल्ट डाल रहा है। अभी ये कवर करकर सिम में थोड़ी देर, एक दो तीन मिनट कवर करके रखा है और ये कटहल का तोरण रेडी हो गया। अभी गैस ऑफ कर हम लोग अभी प्रीति और बालाजी के घर पहुंच गया। प्रीति का ड्रेस देखो, बैक बैक देखो, इसका ये देखो, ये इंडिया से आया हुआ ड्रेस है। किधर किधर से? इडाहो। हाँ मुझे भी देखो, मेरा भी ये इंडिया से, मिंत्रा से। अभी आप लोग लिंक पूछेगा और ढूंढ कर भेजेंगे आप लोग को। और बालाजी को देखो, बालाजी देखा, सब लोग आज मैचिंग में है। ग्रीन ग्रीन ग्रीन। रिजू अक्षु आ जाओ, हाथ हाथ में देख, देखा पूरा ग्रीन फैमिली, तुम्हारा भी ग्रीन। ये एक्चुअली मतलब इको फ्रेंडली ईएसजी फैमिली है, तो ग्रीन फैमिली है। गो ग्रीन दिवाली, गो ग्रीन दिवाली। और इस बार दिवाली मैंने एक चीज, मुझे थोड़ा एक स्पेशल जानकारी, कुछ नया चीज मालूम पड़ा है वो है करवा चौथ, मैंने सुना है। और बिहार में क्या कुछ और है, तीज कुछ और, मेरी एक फ्रेंड है वो इधर से इधर कुमकुम सब डालते थे, लेकिन प्रीति की वजह से बोला है बालाजी। हाँ बहुत सारे लोग बोला, पूछा है बालाजी तमिलियन है, बालाजी तमिलियन है, तेलुगु पर्सन है और मलयाली है, थ्री इन वन है बालाजी। हाँ बालाजी आंध्रा से है ना, इसलिए क्या, अच्छा इसलिए करवा चौथ जैसे इनके यहाँ भी मनाते हैं, लेकिन करवा चौथ के दिन पे नहीं, दिवाली के दिन पे या उसके अगले दिन पे होता है। मतलब जैसे फॉर हस्बैंड्स के लिए जैसे करवा चौथ का वैसे ही है, तो स्वीट सब सुबह उठ के बनाना है और यू नो मुझे व्रत रखना है, लेकिन करवा चौथ के जैसे रात को मतलब व्रत तोड़ना नहीं है, अगले दिन सुबह मतलब नहा धो के उसके बाद ही व्रत तोड़ना है। और जो कुछ भी हम प्रसाद मतलब भगवान जी के लिए बनाते हैं वही मैं खा सकती हूँ पूजा के बाद जो होता है शाम को। तो इस बार दिवाली और ये सब कुछ ना बीच में शुरू हुआ ना, तो आज का दोपहर 3 बजे तक खत्म हो गया था, तो हम लोग ने पूजा पहले ही कर दिया था और मैं सिर्फ आज का स्वीट खा सकती हूँ। और मैं स्वीट जो कि नहीं खाती हूँ, तो मुझे सिर्फ पानी में यू नो आई हैव टू स्टे। प्रीति को स्वीट बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। मतलब लेकिन डाइट वाइट नहीं, पसंद नहीं है। हाँ, पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्या क्या बनाते हैं वो दिखाते हैं। और हमारे संतोष कुमार को अभी नहीं, बाद में दिखाएंगे, थोड़ा मेकओवर करना है। मेकओवर नहीं करना। और देखो ये इसको आदि रसम बोलते हैं, सुगियन, गुलाब जामुन, ये बालाजी स्पेशल है। ऐसे मुंह में डाल दो इमीडिएटली पिघल जाते हैं, उतना टेस्टी है। और उन्नीअपम, उन्नीअपम मुर्क। हाँ इतना कुछ प्रीति आज सुबह बनाया। और मेलगु वड़ा, वेस दैट जो वड़ा बनाते हैं ना उसी में, जो हम लोग नॉर्मल मेदू वड़ा बनाते हैं ना, वो कैसे बनाते हैं अच्छी तरह पेस्ट कर। देखो दिस इज समथिंग, हाँ दिस इज गॉड के लिए, मतलब भगवान जी के लिए जब रखते हैं ना ऐसे वाला रखना चाहिए। तो प्रीति भी केरला से है, लेकिन बालाजी से शादी करने से उनके घर का मतलब बालाजी है ना, सब कुछ हमारा जो है ओनम है जो कुछ भी विद फुल इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो हाँ। ना इवन आई फील दैट यू नो कि मैं भी उनका भी पूरा हाँ। तो इसीलिए यू नो हाँ। पहले थोड़ा मतलब ऐसे था कि यू नो पूरा दिन यू नो नेक्स्ट डे तक रहना यू नो इट वाज लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि हम लोग आदत नहीं है ना, तो फिर लेकिन अभी तो आदत है, 19 ईयर्स हो गया। सी भी आ गया यूनिवर्सिटी से और हाथ में देखो इधर दौड़ा इधर आदि वाइट गानो बड़ा सबड़े आंसू सकते हो इतना नाम एड चिरकी ने हां एंटर देवा में या जी द स्ट्रीट
തന്നാണോ? ഓൾറെഡി ബാലാജി ഇത്തന സാര ക്രാക്കേഴ്സ് തൈക്ക് റക്കാ only 350 pounds sell ചെയ്തിട്ടുള്ളു പടക്കത്തിൽ. He's saying he will spend another 150. प्रीति कल दीपावली था ना, फिर आज कल भी है आज भी है सबको इस आज भी है ना हाँ। आज और कल कोई लोग आज कर रहे हैं कब सभी लोग हम लोग की तरह लेकिन प्रीति सब कल मनाया है ना कल हाँ कल मनाया हम लोग मेरा भाई सब आया था हाँ दिस राइट बेंडेक्स वी नो दैट लुक गुड इट लुक गुड सी लुक एट दैट देखा उधर भी मतलब इधर पूरा है ना एक इधर माहौल है पूरा फटाके का आवाज इधर चुंगसी भी मुंडू पहन कर आया और पहली बार खुद से मुंडू पहन कर आया सुपर कूल बेल्ट है वो ठीक है सुपर सुपर कूल बहुत अच्छा लग रहा है आंखों में आंख डालकर देखा 19 इयर्स हो गया प्यार अभी आप व्हाट एल्स हाउ एल्स टू शो अ लव ओके कम गिव अस अ लव टू शो से लव अक्षु ब्रिजू गिव इट अ लव वी से इट लव आप डिड से लव एल ओ वी ई लव से से लव आ लव इन द स्टोरी पर आया है हां दे दे दा दा Vibhi, please. Family photo चल रहा है अक्षु आज ज्यादा चॉकलेट खा लिया ऐसा लग रहा है हमारा प्यार ऐसा है उधर आंखों से चलाया सारे He can't drive anymore. टूटना नहीं हुआ भाई नहीं सब कुछ ठीक ठाक है भाई रात को 12 बज गया मैं और प्रीति रील बना रहे बेचे लोग है सोने के लिए गया क्योंकि उसको कल एग्जाम है संतोष और बालाजी बहुत पहले ही सो गया मैं अभी अम्मा अच्छा को कॉल करके बताया सो जाऊं मैं बोला मेरे पास की है सोने के लिए बोला है होपफुली सोना चाहिए और हम लोग रील बना रहे प्रैक्टिस है ना जब से आया तब से कर रहे हैं
प्रीति का चेहरा देखो रेड हो गया मेरी वजह से इतना मिस्टेक हो गया भाई लो भाई 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 अम्मा देखो अम्मा भी नहीं सोई मैं कितनी बार बोला ऊपर जाकर सो जाओ अच्छा मैंने सुंदर मान ना मैं गाड़ी डिब्बा अम्मा के मोले पे कर अच्छे नहीं उड़ा कड़क हुआ कोई करना होगा इधर प्रीति सारा सामान फिर से बनाया ना वो सब दिया और ये सब इंडियन ग्रोसरी संतोष और बालाजी बीच में जाकर लेकर आया अम्मा को मीठा इतना पसंद है रात को 1:30 बजे भी मीठा खा देकर कंट्रोल नहीं कर रहा अम्मे टंगड़ा हाँ देखो ये टपियोका139 हो गया ठीक है मेरा ब्लॉग भी मैं इधर एंड कर रहा है आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आ गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय